कनाडा में जो स्टूडेंट्स जेन या मई इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या उनको फंड्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एसडीएस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं उनको फंड्स लगाने मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी लगाने चाहिए या नहीं वो मैं आपको इस वीडियो में एडवाइस करूंगा। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से अगर आप अपना स्टडी वीजा प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6290-6290 पे कॉल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या फंड्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में फंड्स लगाने मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को फंड्स लगाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लगाने चाहिए। उसका कारण क्या है, रीजंस क्या है? रीजंस ये हैं कि जब आपका कोर्स 1 ईयर या उससे अबव रहता है तो आपको फंड्स लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमने पीछे प्रीवियस केसेस में देखा कि जब बच्चे अपनी रिफ्यूज़ल लेटर लेके आते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट नहीं हो, तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स के केप्स अप्लाई करते हैं तो केप्स में ये रीज़न आता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उनकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि वो ये मान के चलते हैं कि आप फाइनेंशियली सॉलिड नहीं हो। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखिए कि अपने पेरेंट्स की आईटीआर जरूर लगाइए, अपने मदर की भी आईटीआर जरूरी है लगानी। पेरेंट्स की आईटीआर 9 से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए और जो फंड्स हैं वो जितनी सेकेंड ईयर की फ़ीस है उसके करीब होने चाहिए, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की फ़ीस जो 10 लाख होती है तो 10 लाख के करीब होने चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 2-3-4 लाख रुपए आप फंड्स दिखा रहे हैं वो तो नेगेटिव है, उसकी बजाय तो आप ना दिखाएं तो बेटर है, लेकिन आईटीआर जरूर लगाएं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हाँ जी, मेरे फ्रेंड था उसने तो जी नहीं लिखाए थे फंड्स तो उसका भी वीज़ा आ गया, तो उसका सिनेरियो क्या है, उस केस को समझ लीजिए। हर एक के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अलग हैं, उसके फैमिली सर्कमस्टांसिस अलग हैं, उसके एकेडमिक्स अलग हैं, तो हर प्रोफाइल एक दूसरे से मैच नहीं करता। दूसरी बात है वीज़ा ऑफिसर, अगर मान लीजिए एक वीज़ा ऑफिसर इसको लेके लीनियंट है तो हो सकता है दूसरा वीज़ा ऑफिसर इसको लेके स्ट्रिक्ट है फाइनेंशियल्स को लेके, तो आपको नहीं पता कि आपकी फ़ाइल किस वीज़ा ऑफिसर के पास जानी है। तो इसलिए फंड्स जरूरी लगाइए, आप कम से कम 10 लाख के फंड्स लगाइए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इससे डेफिनेटली आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। साथ में अपना फाइनेंशियल मैट्रिक्स लगाइए, फाइनेंशियल मैट्रिक्स में ये जरूर मेंशन कीजिए कि आपने 1 ईयर की फ़ीस पे कर दी है, जीएसटी पे कर दिया है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ईयर के ये प्लान्स हैं, आपके पेरेंट्स के इतने आईटीआर, उनके पास ये सेविंग्स है और वो फाइनेंशियली कैपेबल हैं आपकी स्टडी को स्पॉन्सर्स करने के लिए। उससे वीज़ा ऑफिसर कहीं ना कहीं आप पे कॉन्फिडेंस दिखाता है, और मैंने काफ़ी वीज़ाज लिए हैं, इवन रिफ्यूज़ केसेस के भी लिए हैं, तो उसमें काफ़ी फाइनेंशियल मैट्रिक्स का भी रोल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों का रोल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैट्रिक्स का भी रहता है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा को लेके, नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6290-6290 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.